माननीय सभापति जी, श्री चंद्रशेखर चंद्रेश्वर प्रसाद, श्री आलोक कुमार सुमन, श्री दिलेश्वर कामेत, श्री अदूर प्रकाश, माननीय सदस्यगण, ये बड़ा अप्रिय प्रसंग है कि अनेक बार आपसे अनुरोध किए जाने के पश्चात भी आप निरंतर नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, चेयर की अवहेलना कर रहे हैं। ये जिन लोगों ने ऐसे मास्क करके माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लाया है, ये बहुत ही खंडनार है सर। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। जिन लोगों को जनता ने अभी अभी जो चुनाव हुआ इसमें इनका जो स्थिति क्या है उनको पता चल गया है। It's a betrayal of what Parliament is all about. It's a betrayal of the basic standards, principles and conventions by which this House should be functioning. You know, when we speak of parliamentary decorum, and we talk in terms of what the right things are to be done in Parliament, there's also a responsibility on the part of the government and the establishment of this country to actually let things work properly, to encourage the opposition to participate. When our side was in power, we took very seriously the role of the parliamentary affairs side to ensure that the opposition is brought along. Instead, today what we have is a completely one-sided and unfair process. हमने कोई ऐसी बात नहीं। वो करें गृह मंत्री का जवाब नहीं बनता है, जो कोई संसद की सुरक्षा का मामला वो संसद स्पीकर के विशेष अधिकार में आता है। मुझे ये बताइए, पुलिस किसके हाथ में है? है? वो सारी होम मिनिस्ट्री के नीचे है। तो क्या हो जाता अगर वो 5 मिनट आते और कहते जनाब ये हो गया है, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? आज लगभग 40 से ज्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं और कल भी लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपी को सस्पेंड किया, इट इज अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट।